मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ की साइंस पढ़ने वाले हैं। क्लास नाइन्थ की साइंस में अपन लोग लेसन फोर पढ़ा रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या एटम है? स्ट्रक्चर। उसमें अपन ने बहुत सारी थ्योरीज देखी थी। थ्योरीज में अपन ने देखा था बहुत सारे, जैसे कि अपना एटम, एटम के स्ट्रक्चर, उसके कुछ लॉस थे वो देखे थे, कंजर्वेशन ऑफ लॉ, ठीक है, ये देखा था, फिक्स रेशियो वाला देखा था। फिर अपन ने एटॉमिक नंबर, अब अपना नेक्स्ट, फिर हमने कुछ वैलेंसीज वगैरह बताई थी। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है, हाउ आर इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। इसके पहले अपन लोग बताए, जैसे अपन ने नील्स बोर की थ्योरी पढ़ी थी, नील्स बोर की, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, और जॉन डाल्टन ने, उन्होंने जो बताया था जो एटम है वो किससे मिलकर बना है वो। इसके अलावा अपन ने देखा था जो एटम है वो भी किसी ना किसी सब्सटेंस से मिलकर बना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और अपन को ये बताया जो अपना एलिमेंट होता है, एलिमेंट एटम से मिलकर बना होता है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीन के तीन होते हैं। अब एक चीज हम यहाँ पे क्लियर कर लें, जैसे कि ये अपना एटम है, तो एटम में दो चीजें होती है, एटम में दो चीजें होती है, एक तो उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, और दूसरी उसकी ऑर्बिट होती है। ऑर्बिट अपन लोग नील्स बोर के अकॉर्डिंग देखें तो के एल एम एन, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, फिर 18 और 32, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। और हमने ये भी बताया था 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला से अपन लोग जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखें, जो एटम होता है, एटम में के टू पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है, दूसरा ऑर्बिट। न्यूक्लियस में देखें तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इस न्यूक्लियस के बाहर चारों ओर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल मूव करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या क्लियर, इससे ये क्लियर हुआ कि जो अपने न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर ये हो सकते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे आर सिचुएटेड इन द एटम, मतलब बोलेंगे न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर अपनी ऑर्बिट में रोटेट होते रहते हैं, ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक बार और देखा हम लोग, जो अपने नील्स बोर थे उन्होंने बताया था कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स का फिल या इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हैं, तो उसमें हमने क्या है, फोर ऑर्बिट बताए थे, के एल एम एन, ये उन्होंने बताया था। जरूरी नहीं है अपन अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, एक ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, लेकिन वो नील्स बोर ने बताया था तो उनके अकॉर्डिंग ही चलेगा, के एल एम एन। फिर उन्होंने फॉर्मूला दिया था 2n स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे थे। लास्ट वाला क्लास हमने बहुत डीपली बताया था। अब उसमें देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फिल हो रहा था। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जैसे किसी का इससे भी ज्यादा हो तो किस तरीके से, तो अपन लोग मेनली अपने ये ऑर्बिट्स हैं वो फिल करेंगे। जब ये फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो तब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जाते हैं, जब ये कंप्लीट होता है थर्ड में जाएंगे, जब ये कंप्लीट होता है फोर्थ में जाएंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होते जाते हैं, ठीक है। जब तक फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट ना हो तब तक नेक्स्ट लेवल पे या नेक्स्ट ऑर्बिट में अपने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्लियर। अब यहाँ पे है क्या, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट। तो डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑर्बिट होती है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, नील्स बोर के अकॉर्डिंग होता है। किसके थ्रू? नील्स बोर के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, पहले अपन लोग बना ले क्लास के होंगे, एक के होती है, एक एल होती है, एक एम होती है, एक एन होती है, क्लियर। सोडियम का मतलब एग्जाम्पल है, सोडियम नहीं तो आप बोलते सर सोडियम सोडियम। मैग्नीशियम का एग्जाम्पल देते हैं, क्या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है, कितना होता है 12। अब एटॉमिक नंबर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब ये किस तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो हमने बताया फर्स्टली फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 10 में से 2 कंप्लीट हो गए, अब कितने बचे अपने, सॉरी 12 में से 2 कंप्लीट हो गए, 10 बचे, फिर नेक्स्ट कितने जाते हैं, 8,
8 टू 10 कितने बचे, 2 बचे, थर्ड में कितना क्या आ जाएगा 2। अब इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, इसको छोड़ देंगे। क्लियर, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2 8 2, ये होगा 2 8 2। ठीक है, क्लियर। अब इसमें देखें, ये अपना मैग्नीशियम का अपना न्यूक्लियस है, हमने बताया न्यूक्लियस में कौन से होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी। अब जो फर्स्ट ऑर्बिट बनाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में क्लियर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट बनाएंगे, सेकेंड में कितने होंगे, 8, मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, अब थर्ड ऑर्बिट आती है, थर्ड ऑर्बिट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। अब थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हमने हमने बताया था आपको न्यूट्रो के में 2 8 18 और 30, ये फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, सेकंड कंप्लीट, थर्ड में 18 चाहिए, कितने 18, लेकिन कितने हैं इसमें ओनली 2 है, कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो चाहे इसको 18 है। अब इसको अपने ऑर्बिट कंप्लीट करनी है तो ये दो तरीके से कर सकता है, या तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट को दे देगा, ठीक है, या फिर 16 एटम किसी 16 वो इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट से ले देगा, ठीक है। अब 16 बहुत ज्यादा होगा, कोई नहीं देगा, जैसे अगर हमारे पास 99 रुपीज है, आपके पास हमारे पास 90 रुपीज है, आपके पास 10 रुपीज है, आपको भी 100 कंप्लीट करने, रुपीज कंप्लीट करने हैं, हमें भी अपना 100, तो किसी से भी आप कहेंगे तो हम 90 रुपीज नहीं देंगे, क्योंकि 90 रुपीज बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, आपके पास कम रुपीज है 10, तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ही इनके साथ होता है, ये इकट्ठे 16 नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं देगी, तो ये क्या करेंगे, ये अच्छा क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो एम जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा, क्यों आया 2+, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैग्नीशियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, कितने 10, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का अपना एटम नंबर कितना होता है, 2 होता है, सॉरी 12 होता है, कितना होता है 12, और 12 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे ही दी, डोनेट कर दिए, कितने बचे, मतलब Mg का मतलब होता है 12 और Mg 2+ का मतलब होता है क्या, 10, क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए, ठीक है। अगर ये इसके पास नेगेटिव होता तो मतलब ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन उसको देगा जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, किसको, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उसी को ये देगा, अदरवाइज नहीं। जैसे ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, मतलब 2 और 6, अब इसकी सेकंड ऑर्बिट में कितने 6 है, कि सेकंड ऑर्बिट में कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं, कितने 8, तो ये 2 इसको दे देगा और क्या हो जाएगा, Mg, इसको अलग अलग देंगे तो ये Mg 2+ और O 2-, क्यों, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए हैं, तो बन जाएगा क्या, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरीके से बन जाएगा। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में जाने का, क्लियर, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट क्लास में और डिग्री मिलेगा, इसलिए आपको यहीं पर ये कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, क्या, यहीं पर ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, अगर आप यहाँ पे नहीं होंगे तो फिर आगे की क्लासेस में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, बहुत ध्यान से देखना इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किसकी हेल्प से होता है, नील्स बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंग, कौन, नील्स बोर, नील्स बोर कौन थे, नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है, उन्होंने कहा था 4 ऑर्बिट होती है, के एल एम और एल, के में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेक्स्ट वाले में, के बाद क्या आता है, एल, एल में 8, एम में 18 और एन में 32, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके अगर यहाँ पे अगर तो गड़बड़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का अच्छे से कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, हो सकता है अपना इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो रॉन्ग हो जाए, इसलिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया, इसके बाद एक और एग्जाम्पल बताते हैं जिससे आपको जो थोड़ी सी भी डाउट अगर होती है तो वो भी क्लियर हो जाए। ओके, सबसे पहले तो हम यहां पे बना देते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, 2 8
18 और 13 ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लिया हम लोग, क्या लेते हैं हम लोग, सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, तब लोग लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 6। फर्स्ट ऑर्बिट तो कंप्लीट, सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट नहीं, सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, लेकिन कितने पास है इसके पास 6 है, मतलब कितने कम है 2 कम है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से चाहिए, यहां पर मतलब बनाएंगे ऑक्सीजन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, सेकंड में 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये तो बन गया, अब ये इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है, दो इसको चाहिए। अब ये दो किसको देगा, आपने देखा होगा जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, क्लियर, या फिर मतलब हाँ हाइड्रोजन का ही देते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, वाटर का अपना क्या होता है मतलब H2, ऑक्सीजन देगी, अब हाइड्रोजन का देते हैं, हाइड्रोजन है यहाँ H2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, कितना होता है 1, यहाँ पे हम क्या करते हैं 1, क्लियर। अब यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन लेंगे, अब देखना ध्यान रखना, इसको फर्स्ट ऑर्डर भी इनकम्प्लीट है, इसको 2 चाहिए थे लेकिन 1 है, तो ये देगा क्या देगा, मतलब ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं करेगा, दे भी देगा और दे भी देगा, साझेदारी करेगा ना, तो इसको प्रॉब्लम ना इसको प्रॉब्लम, तो ये हाइड्रोजन का फर्स्ट एटम ये ऑर्डर हो गई, यहाँ पे जो अपना फर्स्ट होगा इस तरीके से बना देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का जिसका इस तरीके में, अब देखना 1 2 3 4 5 और 6, देखो ये इसकी है 5 और 6, 6 के हाइड्रोजन का एक एटम तो 7 और इसके हाइड्रोजन का एक एटम से होगी, मतलब कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7, इसके कंप्लीट हुए, इसके कंप्लीट। अब यहाँ पे देखना हाइड्रोजन का एक था, एक स्टार का कितने हो गए 2 कंप्लीट हो गए, इसका 1 था, इसका 1 बना गया, ये कंप्लीट हो गए, ये दोनों की कंप्लीट हो गई, और क्या बन जाएगा अपना H2O, मतलब वाटर ये बन जाएगा अपना, क्लियर, इतने में कोई प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना क्या, वैलेंसी, क्या रहेगा वैलेंसी, तो हमने बताया आपको नेक्स्ट टॉपिक अपना वैलेंसी, हमने बताया जब कोई एटम की जो एटम होता है उसके लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है, मतलब जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है, क्या कहलाती है वैलेंसी। जैसे ऑक्सीजन में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन को चाहिए थे ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज चल रहा था ना, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, O2-, कितनी हो जाएगी 2-, क्यों इक्वेशन 2 लिखे थे, सोडियम का 11 होता है ना, कितना 11, मतलब 2, 8 और 1, ये दोनों का भी ये 1 एक्स्ट्रा है, मतलब इसके Na+, मतलब इसकी क्या होगी वैलेंसी, क्या होगी 1 होगी, मतलब लास्ट ऑर्बिट में सीधा सीधा बोले लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है 1 2 3 4, जितने भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसकी वैलेंसी पॉजिटिव में रहेगी, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसकी वैलेंसी नेगेटिव में, क्लियर हुआ है, ये अपना वैलेंसी टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। हाँ तो अब अपना टॉपिक मिलता है क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब एटम का नंबर, यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता दें, जैसे हमने कोई भी एटम लिखा, ये अपना एलिमेंट है अपना सोडियम, यहाँ पे हमने लिखे 11, ये 23, तो जो नीचे लिखते हैं वो होता है अपना क्या, एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर साइड लिखते हैं वो होता है एटॉमिक मास, क्या होता है एटॉमिक मास। अब अपन लोग फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे, एटॉमिक नंबर, जब किसी एटम में जितने भी प्रोटॉन होते हैं, क्या जितने प्रोटॉन होते वो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाते हैं, एटॉमिक नंबर, मतलब एटम हैज बीन कंप्लीटली प्रेजेंट इन प्रोटॉन, इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, मतलब सीधा सीधा बोले तो सीधा सीधा ये है, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उन प्रोटॉन के नंबर को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, किससे जेड से डिनोट करते हैं, एक बार फिर से देखें व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो हम लोग कहेंगे एटॉमिक नंबर क्या है, अब लोग कहेंगे किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन की नंबर को अपन लोग क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, अब देखो जैसे अभी अपना एटम का
था न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस था प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, क्लियर। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया अपना एटॉमिक नंबर। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को अगर आप लोग एड कर दें तो वो क्या कहलाता है एटॉमिक मास कहलाता है। क्या कहलाता है एटॉमिक मास, मतलब प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर को के दोनों का सम, दोनों का योग क्या कहलाता है एटॉमिक मास कहलाता है। सीधा सीधा कहें तो अपना नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। क्या एटॉमिक मास, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या आइसोटॉप, आइसोटॉप क्या कहलाता है। आइसोटॉप होता है ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट, इसको क्या कहेंगे हम लोग आइसोटॉप कहेंगे। क्या कहेंगे आइसोटॉप। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल हमको किसका मिलता है हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप मिलते हैं H11, H12 और H13। देखो एटॉमिक नंबर सेम सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट है, ये क्या कह रहा था अपना आइसोटॉप। सीधा सीधा देखें वेन एटॉमिक नंबर आर सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट इट इज कॉल्ड आइसोटॉप। क्या इट इज कॉल्ड आइसोटॉप। अब ये जो नेम है ना जो एच वन है, ये हाइड्रोजन में थ्री आइसोटॉप होते हैं, एक तो होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्रिटियम। हाइड्रोजन के तीन थ्री आइसोटॉप होते हैं प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। इस तरीके से कार्बन के भी होते हैं, आपने देखा कार्बन 12, कार्बन ये होता है जैसे हमने देखा कार्बन 6 14, ये अपने कार्बन के आइसोटॉप कहलाते हैं। सीधा सीधा है आइसोटॉप की डेफिनेशन क्या है, वेन एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट इट इज कॉल्ड आइसोटॉप, एंड दिस अपोजिट वेन एटॉमिक नंबर डिफरेंट एंड एटॉमिक नंबर आर सेम इट इज कॉल्ड आइसोबार। व्हाट इट इज कॉल्ड आइसोबार, फर्स्टली मतलब फिर से देखें, वेन एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट एटॉमिक मास इज सेम, मतलब यहाँ पे एटॉमिक जो नंबर होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे और एटॉमिक मास सेम होंगे, उसको क्या कहेंगे आइसोबार कहेंगे। क्या कहेंगे आइसोबार। जैसे कि यहाँ पे सेम था आप लोग देख सकते हैं, जैसे यूरेनियम का होता है, यूरेनियम का यहाँ पे होता है यूरेनियम, सपोज दैट मान लेते हैं जैसे हम कहा 1, 2, 2, 2 देखो एटॉमिक नंबर सेम है, सॉरी एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक मास सेम है, ये कहना क्या कहलाता है आइसोबार। क्या कहलाता है आइसोबार। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होता है, सॉरी इसके साथ अपना ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अपने जितने भी टॉपिक थे जितने भी ये आपको बहुत अच्छे डिटेल थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मेनली अपना इम्पोर्टेंट क्या है अपने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखना है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसके अलावा अपनी जो जो डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप, आइसोबार, वैलेंसी, ये अपने बहुत ज्यादा जरूरी है, और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये आप एक बार रीड करें, रीड करने के बाद अपना वीडियो भी देखें, अगर इसके बाद भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएं, हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।